पाया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। इसमें ना बहुत सारा गांजा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे अपने आप ये। हे गाइस, जय भीम, नव बुद्धा गाइस। सो गाइस, अभी आ चुके हैं हम अपने खेतों पे, क्योंकि गाइस अभी हमें आने का मूड तो नहीं था, लेकिन हम घर पे बोर भी हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो खेत पे हमें काम भी है गाइस। तो गाइस हमें काम है खेत पे ये कि हमारे गेहूं में ना पानी लगेगा कल को। तो हम पिछली बार पानी लगाए गए ना तो ऐसे छोड़ के चले गए थे सारी जगह को, मतलब सारा मतलब ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो ये देखने आए, मतलब ये मतलब भरा भरा, मतलब कहाँ से फूट रहा, कैसे फूट रहा, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी ना तो भी वहाँ से फावड़ा लेके आएंगे और सारे भराव को सेट करेंगे। तो अगर सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सुबह सुबह आएंगे और पानी लगा देंगे, और नहीं तो फिर देखना अच्छा रहता है कि मतलब भरा फूट तो नहीं गया फिर से दोबारा से। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शुगर वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ से किसी ने मतलब भरा वगैरह फोड़ तो नहीं दिया। और वैसे भी यहाँ से बगल वाले खेत में पानी लगता है, तो वहाँ से अगर पानी आ जाता ना तो सारा भरा वगैरह फूट जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैंने कि थोड़ा भरा भी देख लेंगे, अगर फूट रहा होगा ना तो। वैसे आती है समर की लाइट 6 बजे, वो सॉरी 7 बजे, तो हम आ जाते सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पर। तो 1 घंटे पहले से यहाँ पर भरा भरा सेट कर देते पावड़ा लेके। तो अभी हम यहाँ पर आएँ तो अभी मैंने भरा चेक भी नहीं किया, तो चलते हैं भरा के पास और देखते हैं कैसा है। देखना नहीं था लेकिन गाइस हम अभी ना बगल वाले खेत में पानी लगा, इस वाले खेत में, तो इस वाले खेत में पानी लगता था तो मेरा मतलब सारा भरा फूट जाता है। तो अभी मैं देखूँगा। तो गाइस ये सारी चकोरी है गाइस, आप देख ही सकते हो। ओ गाइस, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो गाइस, आप इसे जानते हो गाइस, इसे क्या कहते हैं गाइस, आपको बता दूँ गाइस, इसे मैं बता दूँ, मेरे ऐसे इसमें से जो गांजा होता है, गांजा जो बड़े बड़े लोग पीते हैं, मतलब गांजा जो हर कोई पीता है, मैं बता नहीं सकता, ये वही है गाइस। तो ये गांजा हमारे यहाँ पे बहुत पाया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। देखो इसमें ना बहुत सारा गांजा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे अपने आप, ये कोई रूखड़ी होती है बस अपने आप बीती है, इसका बीज डालो पाउन मत डालो, लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिक उपज आती है, तो इसे गांजा बोलते हैं। इसमें से गांजा बनता है सफ़ेद वाला यानी व्हाइट वाला, जो इस लड़के मतलब यूज करते हैं, मतलब नशा वगैरह इसी से होता है गाइस। यही है मेन चीज़ गाइस, अगर ये खत्म हो जाती है ना तो गांजा बनेगा नहीं, ये करके जाता है इसका ही गांजा बनता है गाइस। तो गाइस हम भरा को चेक करते हैं, गांजा भाजा तो बाहर की बात है गाइस। तो गाइस यही गांजा होता है गाइस। तो गाइस मुझे लग रहा है कि कहीं मतलब भरा फूट गया, तो गाइस ऐसा ही दिख रहा है मुझे। अभी मैं अंदर चल के देखता हूँ भरा, पहले यहाँ से निकलूँगा। सो गाइस मुझे लग रहा था कि कहीं पे यहाँ पर कुछ होना, तो गाइस वैसे सारा क्लियर लगा इस, लेकिन एक चीज़ अलग हो चुकी है। देखो ये कूड़ा कबाड़ा, तो गाइस आप देख ही सकते हो कि मैं सोच रहा था कि कहीं पे यहाँ पे मतलब कूड़ा कबाड़ा ना हो जाए। तो गाइस ये ना देखो, ये कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे बह के आ गया है, यहाँ पे कहीं पे रखा होगा ये, यहाँ पे यहाँ से पानी के बहाव से, और ये यहाँ पे आ गया गाइस। तो गाइस मैं दिखा सकता हूँ, देखो मैं सोच रहा था पानी आया है इसमें, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे पानी भी आया गाइस, इस क्रिया में भी चला है पानी, और ये यहाँ से फूट गई गाइस। ये मुझे रोकनी पड़ेगी सुबह सुबह जल्दी आ गया गाइस। और भी गाइस दिखाता हूँ मैं आपको आगे, देखो गाइस अभी थोड़ा सा गीला खेत है गाइस, अभी पानी लगाया फिर भी इतना सा गीला सा दिख रहा है गाइस। और दूसरी वाली क्रिया देखो गाइस, इधर से सारी रोक दिया, क्लियर कर दिया। देखो ये भी रोकनी पड़ेगी, इसमें भी मतलब फूट गया है, मैं सब सारी रोक के गया था, ये भी फूट गया गाइस, गाइस ये भी मतलब फूट गया, देख लो गाइस मैं इसे भी रोक के गया था। और आगे चलते हैं और आगे तरफ देखते हैं गाइस, ये देख सकते हो अभी भी गीला पड़ा है खेत गाइस, मैं कैसे डाल गया था लेकिन अभी भी ऑलरेडी गीला खेत है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी 2-4 दिन पहले पानी लगाया, लेकिन मैं सोच रहा था फूट गया गाइस। देखो गाइस ये भी सारा फूट गया गाइस, देख लो ये भी बहुत सारा फूटा सा दिख रहा है गाइस। मुझे पहले ये भी रोकना पड़ेगा, मतलब 3 जगह रोकना पड़ेगा, यानी सुबह जल्दी आना पड़ेगा, उसके बाद मैं अभी फावड़ा लाना भूल गया था, तो अभी तो मेरा फावड़ा है नहीं मेरे पास। तो गाइस अब चलते इससे बाहर, अपने देख तो लिया कि कहाँ से फूट रहा है, दोबारा से रोकना पड़ेगा गाइस। गाइस यार भरा तो सारा फूट रहा है मतलब बुरी तरह से, तो मुझे लग रहा था कि बगल वाला जो चकोरिया खेत है ना उसमें पानी लगा था, तो मुझे लग रहा था कि पानी लगाना उस खेत में तो पक्का मेरा भरा फूट ही रहा होगा, तो जैसा है ना फूट ही रहा गाइस। तो गाइस हम अपने खेत पे आए मतलब 10 दिन बाद, आज जब पानी लगाया था तभी आए थे, उसके बाद आज 10 दिन बाद आए हैं। तो गाइस हमारा एक पेड़ है यहाँ पे, उसका बेल पत्थर वगैरह का किसका है, तो उस पेड़ को देखते हैं कि अभी वो है ऑलरेडी कि बेकार हो गया। ओ यार गाइस यार एक फुफट और हो गया, हम लाए थे अपने साथ बोतल पानी भर के पेड़ में देने के लिए गाइस, और वो बोतल रह गई और वहाँ पे पली तरह हम बैठे थे, फोन चला रहे थे वहीं पे, यार ये कैसे हो गया गाइस। तो गाइस यार मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, उस बोतल को मैं लेके नहीं आ पाया गाइस, उसको वहीं पे छोड़ के आ गया मैं। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे, बोतल लानी पड़ेगी, मैं इसलिए भर के लाया था, मैंने इसमें पानी दे दूँगा पेड़ में, और गाइस वो वहीं पर रहेगी गाइस। भाई साहब कैसे होता है ये, चलते उसे बोतल लेने के लिए पहले, तो उसके बाद आपको हम पेड़ दिखाएंगे। तो गाइस हम ब्रेक स्टार्ट करते हो और लंबा वहाँ पे गाइस, वहीं पे मेरी बोतल है गाइस, तो फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं। गाइस देख सकते हो आप गांव की मेरे का कैसा कैसा होता चलना, ऐसे प्यारी प्यारी जगह पे चलना पड़ता है मेरे पे, फटाफट पहुँचते हैं बोतल को लेके आते हैं।
सो गाइस बस थोड़ा सा आ गया है, हमारी बोतल वहीं पर डली हुई है और उसे उठाते हैं गाइस। अरे गाइस यार पागल और हो गए, इतनी दूर आना पड़ा दोबारा से वापस, नहीं तो वहीं पे पानी देखो वहीं पे निकल जाते घर के लिए। अब हमारी बोतल, हम बैठे थे आगे की तरफ, ये गाइस हम बैठे थे यहाँ पे, गाइस गाइस यहाँ पे भी नहीं है बोतल यार, यहीं पे बैठे थे हम यार, यहीं पे बोतल डाली थी हमने, कहाँ है यार, यहाँ पे भी नहीं है बोतल यार, यहाँ पे भी नहीं है बोतल गाइस। तो यार मैं साइकिल से लेके आया था या नहीं लेके आया मुझे याद नहीं आ रहा है, दिमाग को जोर मारूँ ढंग से। तो गाइस मुझे नहीं पता कि मैं साइकिल से यहाँ पे लेके आया था, अभी तो लग रहा था कि लेके आया था लेकिन अभी पता नहीं कि वहीं तो नहीं रहेगी कहीं पे। मैं यार दिमाग ख़राब है गाइस, तो साइकिल के पास ही जाके पता पड़ेगा कि मतलब बोतल है या नहीं है। अगर साइकिल के पास बोतल हुई तो मैं नहीं आ रहा वापस यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ जाता है वहाँ से आते आते, तो फिर मैं आज पानी दे ही नहीं रहा गाइस। और अब मैं कल लगाऊंगा ना पानी तो कल लग ही जाएगा। तो पहुँचते हैं साइकिल के पास, वहाँ पे देखते हैं वहीं पर डली है कि मतलब वहाँ पे भी नहीं है गाइस, आज खो ही जाएगी बोतल। अगर खोगी ना गाइस तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत पुरानी बोतल है, यानी 4-5 महीनों से उसको मैं यूज कर रहा हूँ लेटरिन वगैरह के लिए, पानी वगैरह के लिए। तो वैसे फटाफट से पहुँचते हैं और वहीं देखते हैं, बस एक लास्ट जगह वही बची है वहाँ पर बोतल हो सकती है, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कहीं पर होगी। तो पहुँचते हैं वहीं पर और देखते हैं है या नहीं गाइस। पहुँच चुके हैं साइकिल के पास और गाइस हमारी भी बोतल यहीं पर डरी है गाइस, यार फोपटी हो गया हमारे साथ। तो यार देखो ये डरी है बोतल हमारी यार, ये डली हुई है बोतल गाइस, और गाइस सच में यार हम इसे लेके नहीं जा पाए गाइस। और यार पोपट हो गया हमारे पास साथ गाइस, अब मैं दोबारा भी नहीं जा रहा गाइस, में पानी भरा है ऑलरेडी देख सकते हो, तो मैं वापस भी नहीं जा रहा, ऐसी तैसी में जान दो, कल को आऊँगा ना तो कल को लगा दूँगा गाइस। गाइस मैं सही कह रहा था कि मुझे पता नहीं पूरा क्लियर कहाँ है, तो क्लियर हो गया कि ये डली है मेरी बोतल यहीं पर साइकिल के पास डली थी। तो मेरी गलती है कि मैं ले जाने में से भूल गया था, वो पोपट हो गया गाइस, और मैं उधर की तरफ और भागता गया कि कहीं वहाँ पर ना हो, तो वहाँ पर भी नहीं थी। फिर मैं वहाँ से आया इधर की साइड खेत यहाँ पर साइकिल के पास, तो मेरे को ये साइकिल से मिली गाइस। चलो सही यार, मिल तो गई, मेरे तो ऐसा लगा था खोई ना जाए कहीं पर, लेकिन मिल तो गई गाइस। तो ये इसका पानी अब तो वहाँ पर लगाने नहीं जा पाऊँगा गाइस, तो मैं लेटर वगैरह करके आता हूँ इस पानी से, क्योंकि अब पानी ये वेस्ट जाएगा, क्योंकि अब तो मुझे लगाने जाना नहीं पेड़ों में, कल पानी लगाऊंगा ना तो फिर ऑटोमेटिक ही बहुत सारा पानी लग जाएगा इस उसमें। सो गाइस यार काफ़ी टाइम हो चुका है मैं खेत पर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब थोड़ी शाम सी होती आई है, और गाइस हमने जर्सी भी पहन ली क्योंकि ठंड सी बढ़ रही है इस वजह से। और गाइस हम अब खेत में मतलब पौधे में पानी तो दे नहीं पाया, तो अब फिर कभी आएंगे फिर दे देंगे पानी। तो गाइस अब हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। जर्सी तो लाए हैं साथ में लेकिन कान वगैरह से कुछ बांधने के लिए नहीं लाए हैं। तो ये ब्लॉग का एंड करते हैं, तो आई होप ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, और जो लोग नए चैनल पे वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।